हेलो फ्यूचर माइनर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल माइनिंग मिस्ट्री। कल मैंने अपने एक यूट्यूब चैनल पे एमसीएल कट ऑफ का वीडियो डाला था। उसके बाद बहुत से बच्चों का ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर एमसीएल का जो कट ऑफ है, जो सरदार और ओवरमैन का एग्जाम हुआ है 2023 में, उसका कट ऑफ पे भी आप एक वीडियो बनाइए। मैं जैसा कि आपको कल ही बोल दिया था कि पर्सनली मैं कट ऑफ पे बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि कट ऑफ जितना भी हम सोचते हैं उससे ज़्यादा या फिर कम हमेशा हो जाता है, लेकिन आप लोग के रिक्वेस्ट के कारण मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि एमसीएल का कट ऑफ सरदार का और ओवरमैन का कितना जा सकता है, कितना चांसेस है। उससे पहले मैं आपको ये वार्न कर दूं, ये क्वेश्चन दे दूं कि ये जो वीडियो में आप देखने जा रहे हैं ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। जब इसका ओरिजिनल रिजल्ट आएगा एमसीएल का, तब बिल्कुल ये जो कट ऑफ है वो वेरी कर सकता है। उस टाइम आप माइनिंग मिस्ट्री चैनल पर किसी तरह का ब्लेम नहीं कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एमसीएल का जो सरदार का कट ऑफ जाने वाला है, यदि आप जनरल है, जनरल कैंडिडेट है और आपका नंबर 81 से अधिक है, 100 में 81 से यदि आपका नंबर अधिक है तो ऑलमोस्ट सीट आपका कंफर्म है। अब देखिए यहाँ पे एक लॉजिक समझिए कि आपका जो मार्क्स आएगा, जैसे कि हम लोग देखिए जो आंसर की आया वो सरदार का पहले आया, उसके बाद ओवरमैन का आया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये बन रहा है कि सरदार का रिजल्ट पहले आएगा, कट ऑफ पहले आएगा, उसके बाद ओवरमैन का आएगा। तो यदि सरदार का कट ऑफ पहले आता है तो सरदार का कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है, और यदि ओवरमैन का कट ऑफ पहले आ जाता तो बहुत सारे बच्चे ओवरमैन के लिस्ट में चले जाते तो सरदार का कट ऑफ कम आता, क्योंकि सरदार का क्वेश्चन टफ था तो इसका कट ऑफ कम आना चाहिए था, लेकिन इसका रिजल्ट अगर पहले आ जाता है तो सरदार का कट ऑफ जितना आना चाहिए था उससे एक दो नंबर ज्यादा ही आएगा, ठीक है। यह लॉजिक आप समझ लीजिए। उसके बाद इस रिजल्ट को देखिए, आप 81 है आपका तो आपका ऑलमोस्ट कंफर्म है, 80 नंबर है यदि आपका जनरल में है और आपका 80 नंबर है तो 70 से 80% चांसेस बन रहा है आपका इस बार एमसीएल में सेलेक्ट होने का। जनरल की बातें हो गई, अब हम करते हैं ओबीसी की बातें। ओबीसी अगर आप हैं, ओबीसी एज अ ओबीसी आप एग्जाम दी हैं, 79 से ज्यादा आपका नंबर है सरदार के एग्जाम में तो ऑलमोस्ट आपका सीट कंफर्म है। अगर सरदार का रिजल्ट ओवरमैन के बाद आता है तो ये पूरा का पूरा डाटा चेंज हो जाएगा, दो तीन नंबर का इधर उधर होने वाला है। और यदि आप ओबीसी में है, 77 से 78 आपका नंबर है, 70 से 80% चांसेस बन रहा है आपका इस बार गवर्नमेंट जॉब एमसीएल में होने का एज अ माइनिंग सरदार। अब बात करते हैं एससी की, शेड्यूल कास्ट की। अगर आप एससी हैं, माइनिंग सरदार का एग्जाम दिए हैं तो आपका नंबर 73 से 74 के बीच में है या फिर इससे ज्यादा है तो आपका एक सीट ऑलमोस्ट कंफर्म है एमसीएल के सरदार के एग्जाम में। अगर 72 भी है, 71 में भी उठाया जा सकता है एससी को, 72 है तो आपका 70% चांसेस बन रहा है कि आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। एक दो नंबर हर कैटेगरी में आप इधर उधर ऊपर नीचे करके रख लीजिएगा बिल्कुल भी। अब जैसे मैंने बोल दिया कि जनरल का 81 है तो आप स्टक मत हो जाइए कि 81 है तभी सिलेक्शन होगा, जनरल में 80-79 को भी उठाया जा सकता है सिलेक्शन में। अब हम बात करते हैं एसटी की। एसटी में जिस बच्चे का नंबर 70 अबव है, 70 पार जिस भी एसटी बच्चे का नंबर पार कर चुका है उनका एक सीट ऑलमोस्ट कंफर्म है एमसीएल के सरदार एग्जाम में, ठीक है। 68-69 भी जिसका है उसका 60-70% चांसेस बन रहा है कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ईडब्ल्यूएस पे बात करते हैं। ईडब्ल्यूएस जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि जनरल और ओबीसी के बीच बीच में फंस के रह जाता है, तो ईडब्ल्यूएस में भी अगर आपका 80 है तो ऑलमोस्ट कंफर्म है, 79 भी अगर है तो आपका 70 से 80% चांसेस बन रहा है इस बार सेलेक्ट होने का एमसीएल में। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे कल से आज तक का वक्त लगा क्योंकि मैं बहुत एक वास्ट सर्वे कर रहा था और सर्वे के बाद ये मैं आपको डाटा शेयर कर रहा हूं। इट माइट बी पॉसिबल कि ये डाटा जब रिजल्ट आए तो वेरी करे, वो अलग बात है। अब हम चलते हैं एमसीएल ओवरमैन एग्जाम की तरफ। ओवरमैन का क्वेश्चन जो था सरदार के मुकाबले काफी इजी था, इसीलिए ओवरमैन का कट ऑफ ज्यादा जाने का चांसेस है। तो जनरल में जिन भी बच्चों का 86 से ज्यादा आया है ओवरमैन के एग्जाम में उनका एक सीट कंफर्म है, ऑलमोस्ट कंफर्म है उनका अगर 86 से ज्यादा आ गया है तो। 84-85 है तो भी आपका 70 से 80% चांसेस बन रहा है सिलेक्शन होने का। 84-85-86 वाले बिल्कुल भी अपने आप को सेफ समझिए, आप लोग रेस में हैं और रेस में ही नहीं है आप लोग आगे चल रहे हैं। ओबीसी कैंडिडेट 84 पार यानी 84 अबव ऑलमोस्ट कंफर्म है, 90 से 95% कंफर्म है उनका। 83-82 जिनका है उनका 70 से 80% चांसेस बन रहा है सिलेक्शन होने का ओबीसी में। एससी की बात करते हैं, एससी में जिसका 80 से पार है यानी 81-82 है या फिर 80 भी है उनका ऑलमोस्ट कंफर्म है, 90% चांसेस है सिलेक्शन होने का। 79 जिसका है या फिर समझिए
78 भी है उनका 70-80% चांसेस बन रहा है इस बार MCL के ओवरमैन एग्जाम में। अब ये डिपेंड करता है कि रिजल्ट किसका पहले आएगा। रिजल्ट अगर ओवरमैन का पहले आ गया, सरदार का बाद में आया, तो दिक्कत होगा। अब हम लोग देखते हैं ST अगर 76 से ज़्यादा आता है किसी का, 76 पार कर रहे हैं कोई ST कैंडिडेट, उनका ऑलमोस्ट कन्फर्म है सीट, ठीक है, उनका जॉब इस बार होने वाला है। 75 पार जिसका है, 75 नंबर जिसने पार कर दिया है ST कैंडिडेट, उसका 70-80% चांसेस बन रहा है इस बार का MCL के ओवरमैन के लिस्ट में उनका नाम आने का। EWS का बात करते हैं, EWS में जिसका 84-85, फिर से वही बात, जनरल और OBC के बीच में फंस के ये रह गया, 84-85 में EWS का सिलेक्शन होने वाला है, 84-85 में बच्चे उठेंगे। आंसर की अब देखिए किसका पहले आता है, इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। ओवरमैन का आंसर की अगर पहले आ गया तब सरदार का जो कट ऑफ है वो थोड़ा नीचे जाएगा, और सरदार का पहले आया तो सरदार का कट ऑफ जो है वो ज्यादा जाएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूं कि ये डाटा आपको अच्छा लगा होगा, आप इससे अपने आप को देख लीजिए कि आप कहां खड़े हैं, कहां पे आप स्टैंड कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।